हेलो दोस्तों, हमारे पास ये 43 इंच का रेडमी का टीवी है जिसका मॉडल नंबर है L43R77AIN। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें नो पिक्चर है, बैकलाइट इसकी ऑन है, पिक्चर नहीं है इसमें। इसमें TD-00M लगा हुआ है टिकॉन, और ये पैनल लगा हुआ है इसमें। इसमें दोनों तरफ से शॉर्टिंग थी, इसलिए इसमें नो पिक्चर थी। तो हमने इसमें लेफ्ट साइड पर यहाँ से तीन लाइन को कट किया है, और यहाँ पर दो लाइन को कट करके उसे आपस में जॉइंट किया है। इसी तरीके से राइट साइड में भी हमने यहाँ पर तीन लाइन को कट किया है, यहाँ पर दो लाइन को कट करके जॉइंट किया है। और अभी पिक्चर तो आ चुकी है, बट उसमें ब्लैक कलर की लाइनिंग है हल्की हल्की, तो उसे देख लेंगे। अभी ऑन कर लेंगे। ये ब्लैक ब्लैक लाइनिंग है। यहाँ पर ये लाइनिंग ज़्यादा है, यहाँ पर कम है। ये इसलिए है क्योंकि हमारा जो VGH है उसका वोल्टेज यहाँ से प्रॉपर निकल रहा है, पर यहाँ पर पहुँचते पहुँचते ड्रॉप हो जा रहा है। इस वजह से गेट ऑन नहीं हो पा रहा है, और यहाँ की पिक्चर थोड़ा ज़्यादा लाइनिंग आ रही है। तो हम अब इसमें करने वाले ये हैं कि इसका VGH को इंक्रीज करने वाले। तो ऑफ कर लेंगे टीवी। अब टीवी को ऑन करके VGL VGH का वोल्टेज हम चेक करने वाले हैं कितना है। स्टैंड बाय कर लेंगे। VGS है 28 volt, VGL है -8 volt। तो हमारा अभी ये जो है पैनल में अभी का वोल्टेज है।
इस टिकोन बोर्ड में डीसी-डीसी आईसी है CS603 जिसका डेटा इस फ्लैश आईसी में सेव होता है, और इस यहाँ पर एक और फ्लैश आईसी है जिसमें पैनल के अकॉर्डिंग डेटा होता है। तो हमारा जो प्रोसेसर होता है वो पहले जो ये पैनल के अकॉर्डिंग जो आईसी होती है इसका डीसी-डीसी का डेटा यूज़ करता है, और ये आईसी नहीं होती है तो फिर ये आईसी का डेटा यूज़ करता है। तो हम इसमें करने वाले ये हैं कि इस आईसी को पहले हम निकाल लेंगे और फिर इस आईसी में वीजीएच को इनक्रीज करने वाले। आईसी को निकाल लेंगे। साफ कर लेंगे थोड़ा। तो हमारे टिकोन में जो आईसी है वो निकाल लेंगे। साफ कर लेंगे थिनर से। अब हम आईसी को अटैचमेंट में लगा लेंगे। हम बिना आईसी निकाले भी इसे कर सकते थे आईएसपी कनेक्शन करके इस अटैचमेंट से। हम अभी आईसी निकाल के करने वाले हैं, उसके लिए आईआर को हम 13 ले लेंगे। अटैचमेंट को लगा लेना है। ऑन कर लेंगे आईआर कौन 13। अब इसमें हमें मेन्यू में चले जाना है। यहाँ पर हमें पहले 25x प्रोग्रामर में चले जाना है। पहले हम इसका डेटा जो भी है इसे सेव कर लेंगे ताकि अगर आगे कोई प्रॉब्लम हुई तो हम इसका ओरिजिनल डेटा जो है राइट कर देंगे फिर से। यहाँ पर हमें आईसी सेलेक्ट करना है, पावर बटन से अप और सर्विस 3 बटन से डाउन। तो इसमें लगी हुई है 25P80। अब हम इसे रीड कर लेंगे मेन्यू प्रेस करके। ये रीडिंग हो रहा है अभी। वेरीफाई हो रहा है। ऑल डन हो चुका है। अब हम इसे रीनेम कर लेंगे। जो भी आपका डेटा रहेगा जो हिसाब से आपको रीनेम करना है तो हम अभी रीनेम कर लेंगे इसे। टिकोन का नाम हम यहाँ पर सेव करने वाले। TD-000M। अब ओके करेंगे। ये सेव हो चुका है। हम ब्लू बटन प्रेस करके एग्जिट कर लेंगे और अब हम मेन्यू में चले जाएंगे
टीकोन एसपीआई, ओके प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमें टीकोन सेलेक्ट करना है। F1 से अप होएगा, F2 से डाउन। तो यहाँ पर हमारा है TD-000M। अब हमें इसको रीड करने के लिए मेनू प्रेस करेंगे। ये रीडिंग वेरीफाई हो गया। यहाँ पर जो हमारा अभी वोल्टेज था, जो हमने अभी मल्टीमीटर में देखा था, -8 वोल्ट VGL, VGH है 28 वोल्ट, प्रॉपर अभी इसमें रीड हो चुका है। अब हम इसे VGH को इंक्रीज़ करेंगे। VGH को इंक्रीज़ करने के लिए पावर बटन और सर्विस 3 बटन का यूज़ करेंगे। सर्विस 3 से डाउन, पावर बटन से अप। तो हम VGH को कर लेंगे 32 वोल्ट और VGL को हम -6 कर लेंगे। VGL सर्विस 1 से डाउन, वॉल्यूम अप से इंक्रीज होएगा। ये -6 वोल्ट हमने VGL को सेलेक्ट किया और VGS को किया है 32 वोल्ट। अब ओके प्रेस करेंगे। ये राइटिंग चालू हो चुकी है, ये ऑल डन हो चुका है। हमारा जो भी हमने अभी डेटा इसमें वो किया था सेलेक्ट, वो हमारा राइट हो चुका है IC में। अब हम IR कॉम को बंद कर लेंगे। पहले F4 प्रेस करके एग्जिट करेंगे, बंद कर लेंगे। इसे बंद करके निकाल लेना अटैचमेंट को। अब हम लगा लेंगे इसको, IC को हमारे टिकोन में। अब हम IC को लगा लेंगे अच्छे से, प्रॉपर लगाना है उसमें एक नंबर पिन देखकर। IC लग चुकी है, अब हम इसे साफ कर लेंगे। अब हम ऑन करके चेक करेंगे हमारा डेटा राइट हुआ है। ऑन कर लेंगे TV को। स्टैंड बाय कर लेंगे। वोल्टेज को चेक कर लेंगे। VGH यहाँ पर 32 वोल्ट हो चुका है और VGL -6 वोल्ट हो चुका है, जैसा कि हमने अभी राइट किया था। अब हम पिक्चर देख लेंगे। पिक्चर जो के है हो चुकी है ओके। पहले जो इसमें लाइनिंग थी अभी वो जा चुकी है। हमने इसमें VGH इंक्रीज करके इसे प्रॉपर कर दिया है। इस पैनल में दोनों तरफ से पैनल शॉर्ट था, तो हमने इसमें दोनों तरफ मॉडिफाई किया है। फिर उसके बाद हमें इसमें लाइनिंग देखने को मिली। जो VGH का वोल्टेज था प्रॉपर यहाँ पर नहीं आ पा रहा था, ड्रॉप हो जा रहा था, इसके वजह से गेट ऑन नहीं हो पा रहा था। तो हमने VGH को इंक्रीज़ किया IR कॉम 13 की मदद से और अभी हमारा TV ओके हो चुका है।